वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को लेकर के सेकुलर पार्टी उनको बताया है। मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है, राहुल गांधी का बयान है। मुस्लिम लीग में कुछ भी गैर सेकुलर बात नहीं है, मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ना चाहिए, राहुल गांधी ने बयान दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुस्लिम लीग में कुछ भी गैर सेकुलर नहीं है, मुस्लिम लीग को ठीक से पढ़ना चाहिए। मुस्लिम लीग के बारे में स्टडी करने की बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग के बारे में पूरी तरीके से स्टडी होनी चाहिए और उनमें कुछ भी गैर सेकुलर नहीं है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताया है। राहुल गांधी ने इस बात को कोट किया है कि मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है और उनमें कुछ भी गैर सेकुलर नहीं है। राहुल गांधी लगातार बयानों के तीर चला रहे हैं और जब बयानों के तीर चलते हैं तो ढाल का तैयार रहना लाजमी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया है राहुल गांधी पर। मोहन भागवत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले शत्रु हैं राहुल गांधी, विदेश में देश को बदनाम करना ठीक नहीं है। मोहन भागवत का बयान आपको बता रहे हैं, देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले हैं शत्रु, विदेश में देश को बदनाम करना ठीक बात नहीं है। राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहती है, ये पद्धति है, परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता अखंडता एकात्मता को कायम रखना यह हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है।